हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो गाइस आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का करने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं तो गाइज़ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि UGC NET नेट से रिलेटेड वीडियोस पेपर वन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं देन तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल यानी कि ये ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट कर दे पहला है टीचर दूसरा है लर्नर तीसरा है सपोर्ट मटेरियल फोर्थ है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फिर है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इट्स वेल नोन फैक्ट एंड बेस्ड ऑन वेरियस स्टडी टू एग्जामिन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक वेल नोन फैक्ट है जो कि बेस्ड है वेरियस स्टडी टू एग्जामिन द डायरेक्ट एंड इनड इफेक्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें ठीक है और टीचिंग सिग्निफिकेंट एविडेंस वॉज प्रोवाइडेड दैट द लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग इज अफेक्टेड बोथ बाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएबल तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि जब टीचिंग जो है एक इतना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एविडेंस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल जो है वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं और लर्निंग प्रोसेस को भी नॉट ओनली दिस टीचिंग प्रोसेस ऑल्सो गेट्स इम्पैक्टेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स करेक्टर ऑफ लर्नर जैसा कि मैं आपको बता दूँ लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स हमने इससे पहले टॉपिक किया था आई होप आपने वो वाली वीडियो वॉच की होगी नहीं की तो आप चैनल की प्ले लिस्ट से जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं तो जैसा कि इस लाइन में हमें गिवन है कि टीचिंग प्रोसेस को जो है इंडिविजुअल्स करेक्टर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर भी इफेक्ट करता है इम्पैक्ट करता है एंड टीचर अलोंग विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देअर इंटीग्रेशन इन द क्लासरूम कहने का ये मतलब है कि टीचर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से वो भी इन्फ्लुएंस होता है ठीक है तो इसलिए ये भी जो है काफ़ी इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट आता है कि लर्निंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर कि लर्निंग जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस लाता है बट देयर इज़ सम फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द टीचर लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द टीचर यानी कि जो टीचर्स के द्वारा नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है उसको जो लर्नर एक्वायर करता है उसको भी अफेक्ट करते हैं कहने का ये मतलब है कि आप एक लर्नर हैं टीचर कुछ भी सामने से नॉलेज दे रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स uh, हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो अब इनको तीन एरियाज़ में डिवाइड किया गया जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दीज फैक्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज थ्री एरियाज़ कौन कौन से हैं सबसे फर्स्ट लर्नर्स साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पहला दूसरा टीचर्स एंड क्लासरूम सपोर्ट्स फिर है हमारा एनवायरमेंट एंड अदर सराउंडिंग फैक्टर्स तो ये हमारे जो हैं तीन एरियाज हैं जिनमें जो है फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है तो सबसे पहला जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टीचर टीचर के बारे में क्या गिवन है कि टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग कि जो टीचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग कहने का ये मतलब है कि लर्नर को वो एक लर्नर के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करता है कि भाई लर्नर को जो है आसानी से नॉलेज मिल सके आसानी से वो लर्न कर सके किसी भी चीज़ को किसी भी नॉलेज को तो टीचर के द्वारा जो है नॉलेज एक प्रोवाइड की जाती है लर्नर को इसीलिए टीचर एक फैसिलिटेटर है बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट टीचिंग टेक्निक एंड एफिशिएंट मेथड अ टीचर कुड एक्सप्लोर द राइट टैलेंट ऑफ द लर्नर अब अगर टीचर जो है एक बेस्ट टेक्निक टीचिंग टेक्निक को अडोप्ट करता है तो बेस्ट टीचिंग टेक्निक और एफिशिएंट मेथड्स को अगर टीचर यूज़ करता है अडोप्ट करता है तो टीचर कोड एक्सप्लोर द राइट टैलेंट ऑफ द लर्नर तो टीचर जो है अपने लर्नर को के टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकता है कि उसके लर्नर जो भी जिसको भी वो पढ़ा रहा है लर्नर को उसके अंदर क्या टैलेंट है राइट टैलेंट हो एक्सप्लोर कर सकता है टू हेल्प देम टूवर्ड्स क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस ताकि वो बच्चा आसानी से सीख सके इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ टीचर अब ये भी जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो क्या है वो देखते हैं पहला आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में क्या दिया गया है कि लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एरिया कैन प्रोवाइड हाईली वैल्यू इंस्ट्रक्शन कि डिफरेंट कि सब्जेक्ट्स की लर्निंग करना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एरिया की लर्निंग करना कैन प्रोवाइड हाईली वैल्यूड इंस्ट्रक्शन जैसे मान लो हम कोई भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की लर्निंग कर रहे हैं या डिफरेंट एरिया को हम लर्न कर रहे हैं तो उसमें जो है प्रोवाइड हाईली वैल्यूड इंस्ट्रक्शन उसमें जो है हाईली वैल्यूड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं विच कैन अफेक्ट देन वन हु विद ओनली जनरल डिग्री कहने का ये मतलब है कि मान लो किसी के पास सिर्फ एक जनरल डिग्री है तो वो उन हाई वैल्यूड इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रोवाइड करा सकेगा जैसे कि अब इसमें दे रखा है कि इफ़ यू कंपेयर द टीचर हु हैज़ एम और पी एच डी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज़ ऑफ थिंकिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स कहने का ये मतलब है कि अगर कि कोई जनरल डिग्री वाली टीचर है जिसके पास सिर्फ जनरल डिग्री है और एक टीचर है जिसके पास एम एड डिग्री है या पी एच डी डिग्री है तो हम उस उसमें तो कंपैरिजन होगा ही ना यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेज़ ऑफ थिंकिंग उनकी थिंकिंग में भी डिफरेंट uh, होगा उनके नॉलेज इम्पार्टिंग जो वो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उनमें भी कंपेयर होगा है ना तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी बहुत मैटर करती है कि भाई अगर जनरल डिग्री है तो उसको कम नॉलेज होगी तो वो लर्नर को भी उसी टाइप की नॉलेज प्रोवाइड करेगी टीचर और अगर ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से कराएंगी स्किल्स की बात करें तो टीचिंग टैलेंट इज़ डिफरेंट साइकोलॉजी इसमें साइकोलॉजी का काम ज़्यादा होता है टीचिंग टैलेंट वन हु हैज़ हायर डिग्री कैन डे श्योर ही हैज़ राइट इंस्टिंग कहने का ये मतलब है ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास हाई डिग्री है तो वो उसको वो जो है सही से टीचिंग टीचिंग टैलेंट भी है उसके अंदर कहने का ये मतलब है वो अच्छे से पढ़ा सकती है ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टीचर के पास हाइयर डिग्री है तो वो अच्छे से टीचर बन सकती है या उसके अंदर टैलेंट अपने आप ही आ जाएगा टीचिंग टैलेंट एक अलग चीज़ होती है एक डिफरेंट साइकोलॉजी होती है ठीक है टीचिंग स्किल इज ऑल अबाउट यू कनेक्ट विद स्टूडेंट टीचिंग स्किल का क्या मतलब है कि आप स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द मैथड ऑफ टीचिंग यू अप्लाई ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड टीचिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स uh, के साथ आपकी एंगेजमेंट कितनी है कितना आप एंगेज हो रहे हो स्टूडेंट्स के साथ क्लास class में क्लास में तो टीचर नीड टू हैव मास्टरी ऑफ द फ्लोइंग स्किल अब कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो टीचर को होनी ज़रूरी है नंबर वन सबसे पहली है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बेटर इन्वॉलमेंट एंड एंगेजमेंट कि सबसे पहले एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छी होनी चाहिए तभी तो वो इन्वॉल्व हो पाएंगी और एंगेज हो सकेंगी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन बना सकेंगी यूज़ ऑफ़ टीचिंग एड्स इफेक्टिवली तो टीचिंग एड्स को इफेक्टिवली यूज़ करना सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड अप्रोप्रिएटली अब एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसको कौन से टीचिंग मैथड को का सिलेक्शन करना है लर्नर को पढ़ाने के लिए पैशन फॉर टीचिंग टीचिंग का पैशन भी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका मन ही नहीं है टीचर बनने का और फिर भी आप टीचिंग लाइन में आ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स टू एक्ट एज़ बैड बेस्ट गाइड और मैंटोर तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि एक ह्यूमन रिलेशन स्किल होने भी बहुत ज़रूरी है एक टीचर के अंदर ताकि वो एक बेस्ट गाइड और मैंटोर बन सके एक्सपीरियंस की बात करें तो इट्स वेल नोन फैक्ट दैट इट्स इजी टू बिकम टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया बट दे एक्चुअली बिकम मास्टर विद देयर एक्सपीरियंस टीचर तो कोई भी बन जाता है अगर वो जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेता है लेकिन मास्टर वो तभी बनता है जब उसको एक्सपीरियंस होता है एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस टीचर में काफ़ी ज़्यादा तो आपको फ़र्क मिलेगा हाई क्वालिफिकेशन मे गिव टीचर एज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टॉपिक्स अगर आप एक टीचर की हाई क्वालिफिकेशन है तो वो डिफरेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेगी है ना और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बट इट्स द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम विच हेल्प्स यू टू लर्न एंड एम्प्लॉय बेटर मैथड लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको क्या सिखाता है कि आपको किस तरीके से लर्नर को ढंग से इफेक्टिवली पढ़ाना है टीचिंग इफेक्टिवली कैसे करनी है दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैंडल डिफरेंट माइंड सेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास रूम अब ये जो है दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैंडल डिफरेंट माइंड सेट इसमें यह भी है कि डिफरेंट माइंड सेट होना भी ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे आप हैंडल करोगे क्लासरूम के अंदर नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर में हमें क्या गिवन है कि मैनी टाइम टीचर हैज़ बीन असाइंड मैनी टाइम टीचर हैज़ बीन असाइंड सब्जेक्ट इन विच ही इज नॉट स्पेश एंड ही हिमसेल्व नॉट इन बेटर पोजिशन टू हेल्प लर्नर इन इफेक्टिव वे सो द पैशन टू वार्ड्स द सब्जेक्ट एंड एस एम ई इज ऑल्सो की फैक्टर दैट इम्पैक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि कभी कभी किसी टीचर को एक डिफरेंट सब्जेक्ट असाइन कर दिया जाता है जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है जिसमें उस जिस मतलब उस सब्जेक्ट को उस टीचर ने अच्छे से नहीं आ, मतलब पढ़ रखा तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि दिस इज़ वेरी रेयर चांस दैट आर्ट टीचर आर्ट्स टीचर कैन गिव गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस कि आर्ट्स का टीचर कैसे साइंस पढ़ा सकता है, है ना तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है मान लो किसी भी टीचर को मतलब हिंदी की अगर वो टीचर है और उसको साइंस दे दी जाए तो वो कैसे पढ़ाएंगी है ना अब आता है हमारा दूसरा फैक्टर यानी कि लर्नर ये तो था टीचर के बारे में टीचर्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे लर्नर के बारे में कि लर्नर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं तो लर्नर के बारे में क्या वन है कि लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव वेन द डिफ्रेंसेज इन लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग जो है मोस्ट इफेक्टिव तब होगी वन द डिफ्रेंसिज़ इन लर्नर्स लैंग्वेज कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर आर टेकन इन टू अकाउंट कि आप लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो जब आप लर्नर की लैंग्वेज लर्नर के कल्चरल लर्नर uh, का सोशल बिहेवियर उसको समझोगे इट्स नेसेसरी टू टेक नोट ऑफ इंटेलिजेंस एथनिक ग्रुप रेस बिलीफ मतलब ये ज़रूरी है कि आपको लर्नर की इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए उसका एथनिक ग्रुप क्या है रेस बिलीफ उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर विच कैन इन्फ्लुएंस द टीचिंग इन द क्लासरूम तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा टीचिंग uh, uh, में अफेक्ट करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट विद अदर्स इन टर्म्स ऑफ फ़िजिकल सोशल एंड कल्चरल ओरिएंटेशन अब एक क्लासरूम में काफ़ी सारे लर्नर्स बैठे हैं स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो सेम तो नहीं है ना कोई किस बैकग्राउंड से आता है कोई किस बैकग्राउंड से आता है फिजिकली ना तो वो सेम है ना वो सोशल सेम है ना कल्चरल ओरिएंटेशन उनका सेम है तो इसलिए में एक लर्नर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर अनदर तो ये जो एस्पेक्ट है वो एक लर्नर को दूसरे लर्नर से अलग बनाते हैं कहने का ये मतलब है कि सारे जो लर्नर बैठे हैं वो सब अलग अलग है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है यहां पे हमें एक गिवन है कि

इन इन शॉर्ट साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ लर्नस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू लर्न थिंग इन द क्लासरूम अगर हम शॉर्ट में बात करें तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं ऑफ लर्नस लर्नर के जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है लर्न थिंग्स इन द क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर आप हम एक एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं हम जब से पढ़ते आ रहे हैं हम देखते हैं कि कोई बच्चा एकदम इंटेलिजेंट होता है क्लास का जो मॉनिटर होता है कोई बच्चा बिल्कुल डल होता है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है सबसे पहला तो ये दूसरा हर किसी की जो मैंटेलिटी uh, होती है वो अलग होती है किसी की थिंकिंग जो है वो सबकी अलग अलग होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो इंटेलिजेंट होगा ज़रूरी नहीं है कि uh, कहने का ये मतलब है कि एक मेंटालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल उनका माइंड जो है वो किस और है अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इट मींस कि उसका पढ़ाई में है माइंड इंटरेस्ट है उसका है ना तभी तो और कुछ भी हो सकता है मतलब कहने का ये मतलब है कि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं लर्नर्स को नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वो क्या है इन्वायरमेंट में आएगा सबसे पहले सपोर्ट मटीरियल सपोर्ट मटेरियल के बारे में क्या बोला गया है कि टीचर सपोर्ट सिस्टम टीचर सपोर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ टूल्स दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स तो टीचर सपोर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ टूल्स दैट विल इंप्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाई इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स तो सबसे पहली हमें लाइन बोली गई है कि जो टीचर सपोर्ट सिस्टम है वो एक सेट ऑफ टूल्स है जो कि दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट टीचर सपोर्ट सिस्टम इज अ सेट ऑफ टूल दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाई इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर तो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये टूल्स बनाए गए हैं बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स मतलब इन टूल्स का क्या मतलब है कि क्या टीचर्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना डिफरेंट टीचिंग एड एंड सपोर्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस द वे डिसीजन आर मेड एंड इंफॉर्मेशन इज पास टू स्टूडेंट अब यहां पे हमें गिवन है कि <coughs> डिफरेंट टीचिंग एड एंड सपोर्ट सिस्टम जो है वो इन्फ्लुंस करता है द वे डिसीज़न आर मेड एंड इन्फॉर्मेशन इज़ पास टू स्टूडेंट इट हैल्प टू एनालाइज द एरिया इन विच स्टूडेंट आर अंडर परफॉर्मिंग मतलब ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है कि भाई वो किस एरिया में वीक हैं एक स्टूडेंट या किस एरिया में वो इंटेलिजेंट हैं तो बेसिकली ये एक सपोर्ट सिस्टम है दिस ऑल्सो हेल्प टीचर ये टीचर्स की भी हेल्प करता है ये सपोर्ट सिस्टम टू गेन न्यू स्किल टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग जिससे कि टीचर की जो है स्किल इंक्रीज होती है टू गेन न्यू स्किल टू इंक्रीज स्टूडेंट मतलब कि वो एक नई स्किल सीखते हैं टीचर ताकि स्टूडेंट की लर्निंग इंक्रीज़ हो सके और बाय यूज़ ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज मतलब इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करके अब हम बेसिकली इसका ये देख लेते हैं कि क्या वो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जो कि टीचर्स अडॉप्ट करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट असेसमेंट एंड स्कोर सबसे पहले तो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज़ करते हैं स्टूडेंट का असेसमेंट लेते हैं यानी कि जो टेस्ट वगैरह हो गए कितना वो स्कोर कर रहे हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लेसन प्लान जैसे बनाए जाते हैं है ना टीचर के द्वारा कि भाई लेसन प्लान की हमें इतने एक वीक में कितना कराना है सिलेबस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं लेसन प्लान्स बनाते हैं स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क मार्क ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलते हैं कि इफेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आई सी टी बेस्ड टूल्स तो इनका भी एफिशेंटली यूज़ किया जाता है टूल्स का मॉडर्न आई सी टी और ट्रेडिशनल बेस्ड होते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या आता है टीचिंग एड्स टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट इन एनी क्लासरूम जो टीचिंग एड्स है वो इंटीग्रल कॉम्पोनेंट है किसी भी क्लासरूम में दे द मैनी बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल इलास्ट्रेटिंग और री एनफोर्सिंग स्किल और कंसेप्ट डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन रिलीविंग एन्जाइटी बोर्डम बाई प्रजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ न्यू एंड एक्साइटिंग वे कहने का ये मतलब है कि बच्चा बोर नहीं होना चाहिए लर्नर बोर नहीं होना चाहिए है ना इन्जाइटी नहीं होनी चाहिए उनको एक अच्छे वे में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए एक अच्छे न्यू एंड एक्साइटिंग वे में उनको टीचर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए तो इसलिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का हमारा जो ये पॉइंट था नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग एनवायरनमेंट तो लर्निंग एन्वायरमेंट में हमारा आता है क्लासरूम रूम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एक्सपेक्टेशंस तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्लासरूम रूम के बारे में क्या दे रखा है कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस एंड इट अफेक्ट बोथ टीचर एंड लर्नर भाई क्लासरूम का एन्वायरमेंट कैसा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लर्निंग प्रोसेस में और ये टीचर और लर्नर दोनों को ही इफेक्ट करेगा वाइल दिस इज़ टू बी मेंटेन बाय बोथ लेकिन जो क्लासरूम का एन्वायरमेंट है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है टीचर और स्टूडेंट के द्वारा ही है ना फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड भाई एजुकेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है कि भाई स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट कर रहा है स्टडी पे लर्निंग पे टीचर नीड टू फोकस ऑफ बिहेवियर अब टीचर को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट के बिहेवियर पर फोकस करना होता है अलॉन्ग विद अदर फैक्टर और साथ ही साथ दूसरे फैक्टर्स पर भी ताकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सके सो दैट स्टूडेंट्स लिसन टीचर्स वॉइस वाइल इंटरेक्टिंग विथ स्टूडेंट ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन सके टीचर क्या बोल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कोई शैतान बच्चा है या लर्नर है जो कि शैतानी करता है तो वो क्या करेगा अपने साथ वाले को भी तंग करेगा दूसरे साथ वाले को भी तंग करेगा तो इससे क्या होगा क्लासरूम एनवायरनमेंट खराब होगा जिससे कि लर्निंग प्रोसेस में भी दिक्कत आएगी अफेक्ट करेंगे टीचर को भी और स्टूडेंट को भी नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल्सो अफेक्ट लर्निंग कर अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी जो है अफेक्ट करता है इट हैज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अफेक्ट ऑन थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट टीचर बहुत पैरियर स्टडी ऑफ टीचिंग हैज पॉइंटेड पुअर एंड रिच स्टूडेंट क्लासीफाई इकनॉमिकली तो बेसिकली यहाँ पे सोशियो इकनॉमिक स्टेटस की बात हो रही है कि कोई बच्चा रिच है या पुअर है उसके बीच में जो है कहा गया है कि वेरियस स्टडी ऑफ टीचिंग हैज़ पॉइंटेड कि जो टीचिंग की जो स्टडीज़ की गई हैं उनमें ये बात को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है कि पुअर और स्टूडेंट में क्लासीफाई होता है दिस फैक्टर हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन देयर लर्निंग स्पीड ऑन अदर साइड इफ़ टीचर इज़ लेस पेड इन टर्म्स ऑफ सैलरी दिस ऑल्सो इम्पैक्ट इज थिंकिंग लेवल मान लो कि टीचर को कम सैलरी दी जा रही है तो टीचर का मन ही नहीं करेगा उसका थिंकिंग लेवल जो है वो इम्पैक्ट करेगा और वो ढंग से नहीं पढ़ाएगी स्टूडेंट्स को एंड वेज़ ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम ठीक है एवरी पेरेंट्स हैव सम ऑफ एक्सपेक्टेशन हर पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है विद हिज वर्ड यानी कि अपने बच्चे से इन टर्म्स ऑफ वट एंड वेयर दे वॉन्ट टू सी देयर चिल्ड्रन कि भाई वो अपने बच्चे को कहाँ और कैसे देख देखना चाहते हैं दिस हैज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट फिर ये जो है इस पे क्या इसकी वजह से स्टूडेंट्स पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कोजिंग स्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट्स Uh, कि स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस आता है कि बच्चे पेरेंट्स के द्वारा ये बोला जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ तो स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रेस लेते हैं इफ ऑफन सीन दैट इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म मेंटली इट क्रिएट डिप्रेशन अगर स्टूडेंट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको डिप्रेशन होता है एंड सम टाइम लीड्स टू लाइफ फेलियर दैट्स द रीज़न पेरेंट्स इन्वॉलमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इज इन इम्पॉर्टेंट टू ईज आउट बर्डन ऑन स्टूडेंट एंड हेल्पिंग दैम टू इम्प्रूव लर्निंग एज ओवरऑल इसीलिए ये रीज़न है कि पेरेंट्स का इन्वॉलमेंट होना चाहिए इम्पोर्टेंट टू ईज आउट बर्डन ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के जो बर्डन है उसको ईज कर सके उसको सरल बना सके बर्डन उन पर कम हो सके स्टूडेंट्स पर वो कैसे करेंगे उनकी लर्निंग में हेल्प करेंगे उनकी ठीक है पेरेंट्स की इन्वॉलमेंट होना भी ज़रूरी है नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन टीचर इज़ अबाइडिंग बाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस अब टीचर के टीचर जो है काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा अबाइड होता है जो भी मान लो किसी भी स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रही है या कॉलेज में तो उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होता है टीचर को देयर आर चांसेज दैट टीचर वॉन्ट टू डिलीवर इन अ वे ही लव्स टू डू मतलब ऐसा तो होता है कि टीचर जो है अपना लेक्चर उसी वे में दे डिलीवर करे जिसमें उसको अच्छा लगता है बट द इंस्टीट्यूट पॉलिसी डोंट अलाउ हिम लेकिन इंस्टीट्यूट की पॉलिसी उनको अलाउ नहीं करती कि अपना मेथड यूज़ करने को दिस लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन इन टीचर इससे क्या होता है टीचर डिससेटिस्फाई हो जाता है और इसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है इट शुड नॉट बी द केस दैट टीचर शुड अलो द वे दे वंट बट इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ लेसन एंड कंसल्टेशन टू इम्प्रूव लर्निंग पाथ इज रिक्वायर्ड इन लाइन विद द इंस्टीट्यूट पॉलिसी तो बेसिकली यही सब बोला गया है नेक्स्ट आता है एनसीआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इट्स पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल नाइनटीन एटी टू हैज लेड स्ट्रेस ऑन द फ्लॉइंग टीचिंग स्किल तो एन सी आर टी कौन कौन सी स्किल्स पर स्ट्रेस देता है वो देखते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्टेंट क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन क्वेश्चन डिलीवरी इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट एक्सप्लेनिंग स्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल यूजिंग टीचिंग एय स्टेमलेस वेरिएशन पेसिंग ऑफ द लेसन तो ये ये सारी स्किल्स एक टीचर के स्... को होनी चाहिए टीचर्स को आनी चाहिए प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन गिविंग असाइनमेंट इवेल्यूएटिंग द पीपल्स पीपल्स प्रोग्रेस डायग्नोजिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टी एंड टेकिंग रेमिडी मेजर्स मैनेजमेंट ऑफ द क्लास नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो टीचिंग उसके बाद हमारा कॉन्फ्यूज़न है माइक्रो टीचिंग के में हमें क्या बोला गया कि माइक्रो टीचिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तो स्टैनफोर्ड रिसर्च सॉरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी रिसर्च हुई थी माइक्रो टीचिंग की इट वॉज फर्स्ट अडोप्टिड इन नाइनटीन सिक्सटी वन बाई वाई डब्ल्यू एल एन के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था एंड हिज कोवर्कर्स जो भी उनके साथ कोवर्कर्स थे उन्होंने ये सबसे पहले अडॉप्ट किया था माइक्रो टीचिंग इट एम इम्प्लाइज माइक्रो एलिमेंट दैट सिस्टमैटिकली अटेम्प्टू सिंप्लीफाई द कंप्लेक्सिटी ऑफ द टीचिंग प्रोसेस कहने का ये मतलब है कि माइक्रो एलिमेंट पर दैट सिस्टमेटिकली अटैम्प टू ए मतलब मैक्रो एलिमेंट जो है एम्प्लाई किए जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंप्लीफाई किया जा सके जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको सरल बनाया जा सके टीचिंग प्रोसेस में तो जैसे कि दे रखा है कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इट कैन नॉट बी मास्टर्ड इन ए रिजिड एंड जनरल सेटिंग सो इट इज़ एनालाइज्ड इन टू वेल डिफाइंड कॉम्पोनेंट दैट कैन बी प्रैक्टिस टोट एंड इवेल्युएटेड तो अब माइक्रो टीचिंग कॉन्सेंट्रेट किस पे करती है ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स पर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग टीचर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन कि भाई अंडर कंट्रोल अगर कंडीशन है तो टीचर अपना आ, कैसे उसमें प्रैक्टिसिंग करेंगी है ना उनका बिहेवियर कैसा होगा सो थ्रू माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड पीपल इज मॉडिफाइड एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ मोर इफेक्टिव बाय द स्किल ट्रेनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम कैसे इफेक्टिव बनाए बना सकते हैं स्किल ट्रेनिंग के द्वारा अब हमारा आता है कंक्लूजन देयर आर मल्टीपलर स्कॉलरली आर्टिकल्स अवेलेबल फॉर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग विच टॉक्स ऑन द वेरियस की इशू सच एज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सोशो इकोनॉमिक कंडीशन स्कूल्स पॉलिसी मोटिवेशन दिस इंक्लूड पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस टू स्लो इट डाउन तो ये ये स, जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को आई होप गई वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच